तो अब नगर विकास विभाग का नोटिफिकेशन रद्द किया गया। फिलहाल यूपी में अभी निकाय चुनाव फिलहाल नहीं है। तो अब यूपी निकाय चुनाव से जो बड़ी खबर, तो बिना आरक्षण के होगा चुनाव कोटने का। फिलहाल अब जिस तरीके से अब फिलहाल यूपी में अगर चुनाव की बात करें तो उत्तर प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबर निकाय चुनाव से, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का आदेश, नगर विकास विभाग का नोटिफिकेशन रद्द किया गया। फिलहाल यूपी में अभी निकाय चुनाव नहीं है, क्योंकि अभी लगातार जिस तरीके से अब अगर बात करें तो जो नोटिफिकेशन जो जारी की गई थी, फिलहाल अभी जो है बिना आरक्षण के होगा चुनाव, लेकिन अभी चुनाव को फिलहाल हाल फिलहाल कोई जुड़ी अभी खबर नहीं आ रही। और इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे भारत समाचार के स्टेट हेड वीरेन सिंह जी से। वीरेन जी, लगातार जो लोगों की नजरें थी, मैं आपसे स्पष्ट रूप से जानना चाहूंगी कि किस तरीके से क्या कुछ चीजें सामने आ रही है। वीरेन जी, बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव फिलहाल नहीं होंगे। अब हाई कोर्ट ने आज ये साफ कर दिया है कि जो नोटिफिकेशन 8 दिसंबर को जारी हुआ था उसको रद्द कर दिया गया है। जब तक ओबीसी आरक्षण पर सरकार क्लियरिटी नहीं लाती है तब तक उत्तर प्रदेश में निकाय के चुनाव नहीं हो सकेंगे। जितनी जल्दी सरकार बनाकर लाएगी नए आरक्षण की व्यवस्था को, उतनी जल्दी कोर्ट ने कहा है कि वो चुनाव करा सकती है। तो ट्रिपल लेयर एक वेरिफिकेशन होना है ओबीसी आरक्षण को लेकर, उसके लिए उसने कहा है कोई स्वतंत्र आयोग बनाए, हाई कोर्ट का निर्देश है, और वो उस हिसाब से आरक्षण दे और उसके बाद तब निकायों का आरक्षण तय हो। तो उत्तर प्रदेश में ये बहुत बड़ी खबर है। जो लोग तैयारियों में लगे थे निकाय चुनाव के, ये साफ है कि अब यूपी में फिलहाल अभी नगर निकाय के चुनाव नहीं होंगे। हाई कोर्ट ने आरक्षण के आधार को नहीं माना है सरकार के आधार को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है, और जो पहले अधिसूचना जारी हुई थी उसको रद्द कर दिया है। अब नए सिरे से सरकार को अधिसूचना जारी हो करनी होगी। उसके लिए पहले सरकार को सारी आरक्षण की ओबीसी की व्यवस्था को पलटना होगा, देखना होगा। तो ये बहुत बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव से संबंधित, और ये एकदम क्लियर है, साफ है कि यूपी में ओबीसी आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई है और उसने सरकार के जो आरक्षण की व्यवस्था थी उसको नहीं माना है, उनकी अधिसूचना को खारिज कर दिया है, यूपी में निकाय के चुनाव टल गए हैं। जी, तो बिल्कुल वीरेन जी, अगर समझे अगर मोटे तौर पर, तो जो बड़ी खबर जो निकल करके आ रही है, जैसा कि आपने भी कहा कि चुनाव को लेकर के अभी फिलहाल हाल फिलहाल कोई चुनाव नहीं है नगर निकाय का, और उसके लिए सरकार के जो आधार को जो दलीलें दी गई थी वो खारिज कर दी गई है। अब एक सरकार पहले एक अधिसूचना जारी करेगी पहले, और जैसा कि कोर्ट ने कहा था कि चाहे वो आरक्षण की बात करें, चाहे वो सामाजिक आधार पर, चाहे वो धार्मिक आधार पर, चाहे वो राजनीतिक आधार पर, पहले एक क्लासिफाई करना होगा कहीं ना कहीं।